हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से संबंधित एक PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो PDF है आपके किसी भी LIS से संबंधित एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा। इस PDF के अंदर आपको 2000 से भी ज़्यादा LIS से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सारे ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस PDF के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन एंड आंसर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, कहें तो दूसरी भाषा में वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हो सकता है इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उसके चार ऑप्शन होते हैं और उस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल सकता है ऑर्गेनाइज डाटा। तो इस तरीके से आपको वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे ही आपको याद करने होंगे और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और इनका अगर आप देखते हैं टोटल तो ये 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर हो जाएंगे। और ये पूरा ही PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोडिंग से पहले एक बात आपको यहाँ पर और बता दूँ कि ये जो PDF है इसके अंदर कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर मिल सकती हैं आपको। ज़्यादातर चीज़ें तो सही हैं लेकिन कुछ कहीं पर ईयर में कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं 993। तो 993 का जो क्वेश्चन है वो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क सरनेट जो प्रोजेक्ट है वो किसने लॉन्च किया था। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है निस्केयर ने लॉन्च किया था और ईयर था 1989। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है अगर आप देख सकते हैं, तो जो निस्केयर है, निस्केयर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 सितंबर 2002 को, और यहाँ पर लिख रखा है कि जो सरनेट प्रोजेक्ट है वो निस्केयर ने शुरू किया था 1989 में। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है और ये मिस्टेक वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। आपको बता देता हूँ कि जो निस्केयर है वो CSIR के अंडर आता है और CSIR के ही अंडर में दो इंस्टीट्यूट और आते थे, एक था निस्कॉम और एक था इंस्टॉक। इंस्टॉक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इंस्टॉक की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो ये जो सेंटर था इसी ने 1989 के अंदर सरनेट प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये जो दो इंस्टीट्यूट थे निस्कॉम और इंस्टॉक, इन दोनों को ही 2002 में मर्ज कर दिया गया था और मर्ज करके जो इंस्टीट्यूट बनाया था उसका नाम था निस्केयर। तो कुछ इस तरीके की मिस्टेक हो सकती हैं। यहाँ पर अगर एग्जैक्ट होना चाहिए था तो वो इंस्टॉक ही होना चाहिए था। तो कुछ इस तरीके की मिस्टेक आपको कहीं कहीं पर इस PDF में मिल सकती हैं, अदरवाइज़ ये PDF काफ़ी यूज़फुल है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।